लक्ष्मी, ऑफिस के लिए देर हो रही है, कॉफी जल्दी लेके आओ ना। सुनो, तुम रोज करेक्ट टाइम पे ऑफिस जाते हो, ये मैं नहीं जानती क्या? कॉफी तो पहले से ही रख दी है। पहले से लाके रखी है क्या? कॉफी पीने में ना साथ रहता है ना खाने में साथ रहता है, आखिर वो गया कहाँ है? मुझे लगता है वो चाचा के यहाँ गया होगा। चाचा चाचा चाचा, ये कॉफी भी क्या तेरे चाचा की दी हुई है? हमारी शादी को 6 महीने हो गए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, और वो हमें कभी भी प्यार से रहने नहीं देता। जानती हो वो कौन है? वो कोई साधारण आदमी नहीं, तुम्हारा चाचा है। वो मेरे ससुर बन के मेरे सर पे बैठे बगैर रह नहीं सकता। ये तुम कैसे बात करते हो? तुमने जो कुछ भी मांगा दिया ना उन्होंने? दिया है, 70,000 मांगा था, 75,000 दिया। नौकरी मांगी, स्कूटर मांगा, वो भी दिया। आज के बाद तेरा वो बेशरम चाचा मेरे घर में आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। सुनो, अंदर आओ ना, आ जाओ, आ जाओ ना, चलो बैठ जाओ। वो चला गया क्या? अरे बैठ जाओ ना। वो गया या नहीं? नहीं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। क्यों किया? 10,000 रुपए और दे रहे हैं और कहा है यही रहेंगे ना? वो 1 करोड़ भी दे, मगर आज के बाद वो बेशरम चाचा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। मुझे उसकी कोई शर्त मंजूर नहीं है, उसका सारा खेल आज मैं खुद खत्म कर देता हूँ। दामाद जी, जो टिकट तुम लाए थे वो टिकट यही है क्या? जी हाँ, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे पिछले महीने की डेट छापी है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे देखा तूने, तेरा चाचा कितना बड़ा बेवकूफ है। 6 महीने से कंटिन्यू वो ट्रेन से आ रहा है, एक बार भी अपने पैसों से टिकट लिया होता तो ऐसी बात नहीं करता। कहाँ गया, किधर है? मैं यहाँ पे हूँ। शादी के बाद का मजा क्या होता है तुझे नहीं पता? तू क्यों हमारी खुशियाँ बर्बाद कर रहा है? ये चले जाओ ना। दामा जी, मैं कहाँ जाऊँ, तुम ही बताओ ना। उससे नहीं, मुझसे बात करो। सुनो सुनो, यहाँ से थोड़ी दूर स्टेशन है, स्टेशन में कोई भी आने वाली ट्रेन पे चढ़ के कहीं भी जाओ। नहीं तो? नहीं तो पटरी पे सो जाना, ट्रेन ऊपर से चली जाएगी। अरे जाओ ना यार। तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए एक आइडिया देता हूँ। आइडिया? कौन सा आइडिया? हम लोग खुशी खुशी इसी घर में रहे तो। बस क्लास आइडिया, ऐसा आइडिया आज तक मुझे किसी ने भी नहीं दिया। कोई मिला ही नहीं होगा इसे। और ऐसा आइडिया मुझे कोई दे भी नहीं सकता। बहुत बढ़िया, तुझे किसी की नजर ना लगे, मेरे राज तो हमेशा जीतता रहे। मान गई, 10 जन के लिए तो अकेला ही काफी है। अब तू अपने मामा से लड़ सकता है, तैयार हो जा। दादी, ये लोग मेरे गांव के नंदी बैल हैं। मैं मारता हूँ तो मार खाते हैं, लेकिन वो उसकी फिक्र तू मत कर, तेरी दादी तुझे ऐसा ऐसा पाठ पढ़ा के भेजेगी। तेरी दादा की जान लेने वाले उस मामा को तू जिंदा मत छोड़ना। ये ले बच्चे, ये तो रख ले, तेरे मामा का सामना करने के लिए काम आएगा। उस मामा की एक जवान बेटी भी है, उसके चक्कर में कभी मत आना कुंदन। चक्कर क्या, मैं बात भी नहीं करूँगा। तुझे हमेशा होशियारी और सावधानी से रहना होगा, इसलिए मैं तुझे अपने खानदानी राम सीता की मूर्ति भी दे रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, इसे अपने दादी का तोहफा समझ के रख ले। मैं चलता हूँ। बूढ़े लोगों को घर से निकालने वालों को 6 महीने जेल में डाल देना चाहिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये तो छोटे चाचा लग रहे हैं। कितने दिनों बाद मिल रहे हो? बहुत दिनों बाद तुम भी तो मुझे मिल रहे हो। और ये हथियार लेकर कहाँ पर जा रहे हो तुम बेटा? किसी का खून तो नहीं कर रहे? जी हाँ चाचा, हमारे खानदान का एक दुश्मन है, मेरा सौतेला मामा। कोई खास दुश्मनी है क्या? ऐसा ही समझिए, मैं उसके गाँव जा रहा हूँ। क्या बेवकूफ हो जैसी बातें कर रहा है? अगर तुझे बदला लेना ही है तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले, पहले उससे शादी कर ले और फिर अपना बदला ले ले।
एक बार तेरी उस लड़की से शादी हो गई तो याद रखना वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तू मेरी बात मानेगा? तेरे मामा को ना मैंने देखा है ना तूने, ना उसने हम दोनों को देखा है। हम दोनों उसके गांव चलते हैं, फिर उसके घर में नौकरी करेंगे। और उसके बाद जब वो गहरी नींद में होगा तो उसके सर पे पत्थर पटक देंगे। हैं? क्या चाचा, इस गांव में तो इतने सारे पत्थर हैं, हम तो पत्थर यहाँ से भी ले सकते थे, इतना बड़ा पत्थर ढोकर लाने की जरूरत क्या थी? क्या तू भी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है? तेरा मामा जिस गांव का है उसी गांव का पत्थर उसके सर पे मारेंगे तो सर टूटेगा या नहीं, इसीलिए पत्थर यहाँ से लेके जा रहे हैं। हमारे गांव का पत्थर उसे नहीं जानता, इसलिए उसका सर जरूर फटेगा। भाई साहब रुकिए रुकिए जरा, भाई साहब ये पत्थर बेच रहे हैं क्या? नहीं, आपके सर पे मारने के लिए लेके जा रहा हूँ। क्या बात करते हो भाई साहब, ये पत्थर नीचे फेंक दो, ऐसा अनर्थ मत करो भाई। ये बात मुझे मत समझा, जाकर अपना काम कर, समझा? लगता है पागल है। मैंने तुझे कहा था ना गांव में ऐसे लोग भी मिलेंगे। अरे चाचा कुछ लोगों को बीड़ी मांगने की आदत होती है और किसी को बात करने की आदत, लगता है इसको बात करने की आदत है। ऐसा था तो उसके सर पर पत्थर मार के चेक कर लेता, पहले बताना था। चल अभी दूसरा ढूंढे। हे माता मीनाक्षी, मेरा हर काम शुभ शुभ होना चाहिए माता। क्या पिताजी, मैं तैयार भी हो गई, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। देखा ना, धोती बदली ना शर्ट बदली। वो क्या है ना बेटा, मुझे एक पर्सनल काम से बाहर जाना है। तू एक काम कर, अपने चाचा के साथ गाड़ी में बैठकर उनके साथ ही मंदिर चली जा। तेरी माँ भी वहीं जा रही है, तू भी उनके साथ चली जा। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं उनके साथ नहीं जाती बाबा, उन्हें जाने दो, हम सब साथ में जाएंगे। अगर आप नहीं भी आए तो भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी सहेलियां आ रही हैं। तो चलूं पिताजी। देखने में तो घर बहुत बढ़िया लग रहा है। ए? हाँ चाचा। क्या सोच रहे हो? बस सोच रहा हूँ चाचा। सोच रहे हो? सोचने के लिए तुम्हारे पास भेजा है क्या? जरा बैठ जाओ। ये तुम समाधि क्यों बना रहे हो? तू इसका इतना टेंशन क्यों ले रहा है? हम दोनों यहाँ पर नौकरी करने आए हैं ना, तो हम दोनों में से किसी एक को यहाँ पर रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं अंदाजा ले रहा हूँ कि वहाँ से अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो यहाँ बैठने वाले की क्या हालत होगी। छोटे चाचा, कमाल का आइडिया है। तेरा छोटा दिमाग है ना, इसलिए समझा रहा हूँ। चाचा कोई आ रहा है। ए भाई, बुला रहा हूँ तो घबरा क्यों रहे हो तुम? आओ यहाँ पर। मैं? अरे मैं तेरा भाई हूँ क्या? ऐसे बात कर रहे हो जैसे घर तुम्हारा है। हम दोनों को तुम पर डाउट है, यहाँ के मालिक को बुलाओ। तुम्हें क्या डाउट है? डाउट छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। हाँ? तुम लोग मेरे घर में आके मेरे सामने खड़े होके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? हाँ? सचमुच तुम इस घर के मालिक हो? क्यों मारे उसे? मैं इसे बार बार बोल रहा था कि तुम घर के मालिक हो, तुम्हारे सिवा इस घर का मालिक और कोई हो ही नहीं सकता, यही मैं इसे समझा रहा था। तो ये बेवकूफ बोला कि तुम बीन बजाने वाले सपेरे लग रहे हो। चाचा जी। ए तुम चुप रहो, वरना और जो कुछ भी बोला सब कुछ बता दूंगा। नौकरी की तलाश में जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो गांव वालों ने हमें आपका नाम बताया। उन्होंने कहा कि आप बहुत दयालु आदमी हैं। जब हम आपके घर पे आए तो आपको देखकर ऐसा लगा कि आप इस घर के नौकर है। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप इस घर के मालिक हो। क्या कहा? मालिक हो तो मालिक की तरह रहना चाहिए, नौकर की तरह नहीं। हमें माफ कर दो मालिक। जी मालिक, हमारे लिए किसी काम का इंतजाम कर दीजिए। ऐसे बोलने से कोई नौकरी देता है क्या? चल पैर छू। अरे रहने दो रहने दो, ये सब क्या है? अरे तुम दोनों लोग काम के लिए मेरे सर पे ही सवार हो गए हो। मैं तुम दोनों को कौन सा काम दूं? तुम्हें घर के लिए एक नौकर चाहिए था और बाहर के काम के लिए भी एक नौकर चाहिए था ना? हाँ, हाँ नौकरी है हमारे पास, तुम दोनों को मिल गई समझो। बिना जान पहचान के अगर मैं तुम्हें नौकरी दे दूं और जब मैं गहरी नींद में सो गया और तुम लोगों ने मुझे बड़ा सा पत्थर मार दिया तो? भतीजे, हमारे प्लान के बारे में इसको कैसे पता चला? वो सुन रहा है। सुन रहा है? मालिक, मालिक हमें कोई भी नौकरी दे दो। मालिक, मालिक, अरे ठीक है हो गया। अरे रुको रुको रुको, हो गया भाई। अरे तुम दोनों की नौकरी के चक्कर में मैं कहाँ जाने वाला था, क्या काम करने वाला था, मैं खुद भूल गया। अब मैं तुम दोनों को कौन सी नौकरी दूँ? कोई भी नौकरी दे दो वरना हम दोनों भूखे मर जाएंगे मालिक। मैंने क्या अनाथ आश्रम खोला है? नहीं मालिक। ए तू भी तो कुछ बोल। है? मालिक हमें सारे काम करने आते हैं, अंदर बाहर कोई भी काम दे दीजिए। क्या कह रहे हो? जो मैं सोच रहा था तुम वही कह रहे हो। मेरी बेटी मेले में गई है, मैंने उसे ठीक शाम को 5 बजे आने को कहा है, मुझे पता है कि वो नहीं आएगी। अगर तुम दोनों उसे किसी भी तरह से घर लेकर के आ जाओगे तो तुम दोनों की नौकरी पक्की। ये कौन सी बड़ी बात है, उसके पास एक फोटो दे दीजिए। ना मैं फोटो दूंगा ना ही कोई निशानी। अगर तुम लोग उसका पता लगा कर उसे ले आए तो नौकरी पक्की,
वरना तुम लोग जा सकते हो। अब गांव वालों से पूछे तो शायद कुछ पता चल जाए, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। ओ बहन जी, आप किस गांव की हैं? आनंद नगर की हूँ। तुम सब लोग आनंद नगर पैदल ही जा रही हो क्या? जी हाँ। यहाँ से ज्यादा दूर है क्या? पैदल चल के जाएंगे तो बस 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर के नजदीक लगता है? ये तो हमारे लिए रोज का काम है, ऐसे ही रोज आते जाते हैं हम। किस गांव के हो? वाले गांव के हैं। हम लोग नए हैं, जमींदार ने नौकरी पर रखने के लिए हम दोनों को एक काम करने को दिया है कि अगर हम उसकी बेटी को शाम तक ढूंढ कर घर ले आएंगे तो वो हमें नौकरी पर रख लेगा। उसमें क्या है, किसी को भी पूछ लेना, बता देगा। ऐसी बात नहीं है, हमने उसके बाप से कहा था कि उस लड़की की एक फोटो हमें दे दो, वरना हम उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे, कैसे उसका पता लगाएंगे। तो उसके बाप ने कहा कि उसकी फोटो नहीं मिलेगी, कैसे भी करके उसे ढूंढ के लाओ। अब तुम ही बताओ, बिना फोटो के हम उसे कैसे ढूंढेंगे? अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मणि नाम का एक आदमी रहता है वहाँ, वो सबको जानता है, वैसे वो एक तांत्रिक भी है, जाके उससे पूछना ये लड़की कहाँ मिलेगी, वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा। तो चलो हम दोनों जाकर पूछते। अरे चाचा जी, वो भी तो यार, देखो तुम जो कह रही वो सही है, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। हाँ ढूंढ लेंगे, उन्होंने कहा कि ढूंढ कर लेके आओ, तो हम ढूंढ कर ही लेके जाएंगे, ऐसा हमने ठान। भाई साहब, नीलिमा नाम की कोई लड़की आई थी यहाँ पे? अरे मुझे नहीं मालूम भाई, पूछने पे पता नहीं चलेगा। क्या देख रहा है ये, तुझे क्या वो छोटी बच्ची लगी जो झूले पे बैठेगी? चल कहीं और चलते, पता नहीं कहाँ मिलेगी ये लड़की। ए रुक जाओ, तुम दोनों का नाम क्या है? दिमाग से काम लो चाचा, खुद को तो दिमाग है नहीं और मुझे सिखाने चला है। अब मेरी करामात देखो जरा। सुनो दादी, क्या तुमने नीलिमा नाम की लड़की को देखा है? मैं ही हूँ नीलिमा। ये तो उसकी माँ लग रही है। चल रे, अगर ये बुड्ढी पीछे पड़ गई तो खामा खामो जैसे शादी करनी पड़ेगी। चल चाचा जी, अगर हम ऐसे ढूंढेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तुम उधर ढूंढो, मैं इधर जाके ढूंढता हूँ। बहन जी पैर नीचे रखो। हाय। अरे वो मर्दों का है बहन जी। तो क्या मैं नहीं पहन सकती क्या? अरे इसके पैसे तो दे दो। क्या? पैसे? चल रे। ए हट। क्या है? पत्नी को बोला ना, वैसे तो यहाँ कुछ नहीं है। चलो ये ले लेती हूँ। हे क्या कर रही हो? हाँ कितनी सुंदर चूड़ियां है ना? हाँ है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये चलेगा। हाय नीला रंग। अरे ये पूरा कहाँ ले जा रही है? ये नहीं ले जा सकती क्या? हाँ ले जा सकती है। मैं पूरा ले लूँ? जरा यहाँ इधर आना। अरे अरे ये क्या किया, पूरा रंग मेरे पे फेंक दिया, अरे कोई बचाओ तो। ए, बीच में आने वाले को काट के रख दूंगी। देखा नीलिमा, औरत होके गुंडागर्दी कर रही है। ए चुप, तुझे क्या करना है, तू क्यों बीच में बोल रही है? जो लेने आई है वो ले और चल। नीलिमा नाम की लड़की को किसी ने देखा है क्या? जिसने भी मुझे बताया उसे छतरी इनाम में दूंगा। फिर से सुनो, नीलिमा नाम की लड़की को किसी ने देखा है? जिसने भी मुझे बताया उसे छतरी इनाम में दूंगा। फिर से सुन लो, नीलिमा नाम की लड़की को। ये क्या है चाचा? अरे तुम्हारे हाथ में छतरी नहीं और ऐसे चल रहे हो। अरे मेरा छतरी किसने लिया रे? जहाँ से लाए थे वहीं चली गई होगी। अरे गई तो गई, देख मुझे एक रुमाल मिला है। देख अच्छा है ना? नीलिमा, ये नाम तो सुना सा लगता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ सही। अरे याद है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं ये उसी का रुमाल है चाचा, सचमुच। अरे हाँ, ये रुमाल कहाँ मिला तुम्हें? याद नहीं आ रहा है। याद करो चाचा, कहाँ मिला तुम्हें रुमाल? कैसे बताऊँ तुम्हें मैं, मुझे कुछ याद नहीं। ए! नीलिमा नाम की लड़की लापता हो गई है, लापता हो गई है, लापता हो गई है। अरे मुझे क्या सुना रहा है, माइक में घुस के बोल। नीलिमा नाम की लड़की लापता हो चुकी है, नीलिमा नाम की लड़की लापता हो चुकी है, नीलिमा नाम की लड़की जहाँ कहीं भी हो हमारे पास आ जाए। देखिए नीलिमा नाम की लड़की जहाँ। नीलिमा, ये कौन है जो तेरा नाम लेके चिल्ला रहा है? मुझे क्या पता कौन हो सकता है, चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। नीलिमा नाम की लड़की। अरे भतीजे इस तरह से नहीं बोलते, ला मैं बताता हूँ। नीलिमा नाम की एक सुंदर लड़की लापता हो गई है, जो भी उस लड़की का पता बताएगा उस लड़की। चाचा जी क्या कह रहे हो? ए कौन हो तुम लोग, और ये क्या कब से तुम लोगों ने नीलिमा नीलिमा लगा रखा है? हाँ मैं कौन हूँ, मैं इसका चाचा हूँ, और ये कौन है जानती हो? ये कुछ ही दिनों में नीलिमा का होने वाला पति है।
होने वाला पति? अच्छा, तो उस लड़की ने इसे पसंद कर लिया है क्या? पहले नौकरी तो पक्की हो जाए, बाद में वो भी हो जाएगा। वो बात छोड़ो चाचा, पहले वही मिल जाए वही बहुत है। तो फिर तू ही इसे बता। फिलहाल वो मिल जाए यही बहुत है, ऐसा कह रहा हूँ। अभी इसे बताती हूँ। मैं नीलिमा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जो भी नीलिमा को लेकर जाएगा नौकरी उसी को मिलेगी और किसी को भी नहीं। तो तुम दोनों में से कौन मिलना चाहता है पहले? पहले मैं चाचा, पहले मैं मिलूंगा उससे। तो मैं क्या यहीं पर बैठकर बंदर की तरह नाचता रहूं? तू उसके साथ जा, उसे लेके आ, बाकी इंतजाम मैं कर देता हूँ। रुक क्यों गई? वो जो नीले ड्रेस में घूम रही है ना, वही है नीलिमा। अरे यही है क्या? जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके कपड़े भी हैं। तुमने मेरा काम आसान कर दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जाता हूँ। ठीक है, नीलिमा को ढूंढ रहा था ना, अब तुझे पता चलेगा। अब तुम उससे बच के कहाँ जाएगी? मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत है तुझ में? तुम मुझे नहीं जानती। आपने नीलिमा बोला था, ऊपर से नीचे तक नीलम हो। बात तो छोड़। ए, तेरा बाप तुझे बुला रहा है, चलो भाई। मुझे इस गांव में तुम सब कोई नहीं मिला। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे बाप ने तुझे ढूंढ कर घर लाने के लिए कहा है, चल मेरे साथ अभी। अरे देर हो रही है, चलना। अरे तुझे तेरे बाप के पास लेकर चल रहा हूँ, चल जल्दी चल। कहाँ ले जा रहा है तू? चुपचाप रह, मुझे मालिक ने कहा है लाने के लिए। मालिक ने कहा तो किसी को भी ले जाओगे क्या? ये क्या कह रहे हो? मुझसे मिलने माइक पे चिल्ला चिल्ला के मेरा नाम बोल रहा था। ऐसा सबक सिखाया है उसे कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाय। लड़के को बचपन में ही नीलिमा के लिए पसंद कर लिया था। अब वो जवान हो चुका होगा। अगर उस लड़के के साथ हमारी नीलिमा की शादी। बंद कर अपना। तेरा भाई हमेशा मेरे हाथ से बचता आया है। अब तेरा भाई और उसके परिवार वालों ने मेरी चौखट पे कदम रखा तो उसे जान से मार दूंगा। इसका मतलब ये वही लड़का है जिसे मेरे मामा ने मेरे लिए पसंद किया है। मेरे घर वाले तो दुश्मन नहीं। क्यों बेटी चुपचाप क्यों खड़ी हो? उसको वहां सेटल करके तुम यहां आकर सेटल हो गई हो? कहां है वो? अरे ये तो लड़ रहा है। ये मेरी वजह से हो रहा है। क्या किया तुमने? तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो नीलिमा मैं ही हूँ। ऐसा क्या? इन दोनों में सबसे पहले हाथ किसने उठाया? उस मोटे ने। उस मोटे ने? तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। अगर हाथ पहले मोटे ने उठाया तो मेरा भतीजा उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। काम चाहिए मैं दिलवा दूंगी, पर ये मारपीट रोको ना। मेरा भतीजा चुप रहेगा क्या? पहले हाथ उस मोटे ने उठाया, अब उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। अब तुम ही बताओ ये सब सही है क्या? मेरा भतीजा तुम्हारी वजह से चक्कर में फंस गया है, अब तुम ही इस झगड़े को जाकर रोको। क्या ठीक है? जाओ, तुम्हारे बाप ने 5 बजे तक का ही समय दिया है, मुंह मत देखो, जाओ जाओ ना। वो उसे मार डालेगा। उन दोनों का ही फैसला करने दो। तुम उस आदमी को जानती नहीं हो, जाओ झगड़ा रुकवाओ।
वरना तुम्हारा हीरो मर गया तो मुझे मत बोलना। जाओ जल्दी। अरे सुनो रुको। जाओ। अरे रुको रुको। सुनो रुक जाओ रुक जाओ। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही पिट गए, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। तुम जाओ। हाँ जाओ। क्यों जी, तुम इस गांव में कब आए? तुम्हारी मर्दानगी देख के मुझे कुछ कुछ होने लगा। चलती हूँ, बाद में फिर से मिलती हूँ, बाय। तुमने जो वादा किया उसे पूरा करोगी ना? अपने बाप से कहकर हम दोनों को नौकरी दिलवाओगी ना? थोड़ा सब्र तो करो। कब तक सब्र करें? अब देखो नाटक। पिताजी पिताजी। अरे अरे, क्या हुआ? अरे क्या रो हुआ क्यों रही है, बता ना बेटा। क्या हुआ क्या हुआ, बोलो ना। क्यों जी, लड़की रो रही है, आप बैठ के तमाशे देख रहे हो, इन लोगों से पूछो ना क्या हुआ है। अरे तुम लोग बताते क्यों नहीं है, मेरी बेटी रो क्यों रही है? अरे क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ, बताओ तो, बोलो तो सही। तूने कुछ किया तो नहीं? इन लोगों ने कुछ नहीं किया जी, वो मेले में जो गुंडा है ना देवा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। इन दो नौजवानों ने उसे पकड़ कर बहुत पीटा और मेरी इज्जत बचाई। अगर ये दोनों वक्त पर नहीं पहुँचे होते तो आज मैं यहाँ खड़ी भी नहीं होती पिताजी। इन लोगों ने तुम्हें बचाया? छोटे चाचा, ये तो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रही है, कहीं कुछ गड़बड़ झाला न कर दे चाचा। अरे वो इसी घर की लड़की है, कुछ भी बोलेगी सब सच मानेंगे। खुद के घर पे चोरी करने वाले लोग चोर नहीं होते। ये बहुत चालाक है, समझ ले, अपना काम तो हो जाएगा। अब तू देखता जा, मैं भी कैसे नाटक करता हूँ। इन लोगों ने तेरी इज्जत बचा ली, अब क्यों रो रही है तू? मालिक, आपकी बेटी का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरे भतीजे ने आपकी बेटी की जो इज्जत बचाई वो पराई समझ के नहीं बचाई। मालिक मेरी बात को गलत मत समझना। तुम्हारे घर में हम लोग पहले नौकरी के लिए आए तो हमें चोर समझ रहे थे आप। अरे नहीं भाई साहब, अरे आपको मैंने ऐसा कभी नहीं समझा। आप मेरी बात समझिए, देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ करूं, अगर हमें चोर नहीं समझा था तो पत्थर मारने वाली बात क्यों की थी? क्या अब हमें आप नौकरी देंगे? सचमुच तुम दोनों के लिए इस घर में नौकरी है, फिर से पैर पड़ने की क्या जरूरत है? देखो तुम लोग अभी जाकर आराम करो, सुबह नौकरी पे आ जाना। क्या कहा? सुबह 7 बजे काम पे आ जाना। 7 बजे? पर हमारे पास तो घड़ी वड़ी नहीं है। अरे जिसके पास है उससे पूछ के आ जाना। लेकिन हम लोग गांव में किसी को भी नहीं जानते। हमारे पास तो कोई रहने की भी जगह नहीं है। और रात को हम दोनों क्या सड़क पर सोएंगे? मालिक, रोड पर सोएंगे तो कुत्ते परेशान करेंगे। सुनो जी, रहने दो, इन्होंने हमारी बेटी की इज्जत बचाई, इन्हें इसी घर में रहने दीजिए ना। हाँ पिताजी, ये लोग इस गाँव में और किसी को नहीं जानते। तुम जो बोल रही हो वो भी ठीक है, ये जो बोल रहा है वो भी ठीक है। एक काम करो, तुम लोग खाना वाना खा के ऊपर जाकर के सो जाओ, ठीक है? अरे जल्दी आओ चाचा, जल्दी आओ। कोई देख लेगा, जरा संभल कर चलना। कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। चाचा मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम पत्थर लेके आओ। ए तोलिया दे, मैं अंदर जाके पत्थर लेके आता हूँ। आज वो हमसे बचेगा नहीं। कौन है वहां पे? अरे इस वक्त ये कहां से आ गया? अरे भाई कौन है? मैं हूं मालिक। तुम यहां क्या कर रहे हो? अच्छा, नौकरी के पहले ही दिन तुम लोग दरवाजा खोल के अंदर चले आए और तुम लोगों ने सोचा कि मालिक को पता ही नहीं चलेगा। कितने चालाक हो तुम लोग, लगता है तुम लोग चोरी करने आए हो। मालिक हम चोर नहीं है, हम यहाँ पर चोरी करने के लिए थोड़ी आए हैं। तुमने इतना बड़ा इल्जाम मेरे पे लगाया, तुम्हारे घर पे काम करने वाला चोर कैसे हो सकता है? हम आपको धोखा देते हैं, पूरे नहीं है। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मान लो तुमने नहीं किया, लेकिन इस तरह से अंदर क्यों आए? इसके लिए मालिक। हाँ इसके लिए अंदर आया। इसके लिए? अरे ये मेरे सर पे पत्थर मारने आया है क्या? तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा खून करेगा? भतीजे बाहर आ जाओ, मालिक तुमसे मिलने आए हैं। क्या काम है? हाँ तुम्हें हाथ पैर बांध के बाहर निकालना है। लक्ष्मण इन दोनों का बोरिया बिस्तर बांध कर नीचे ले आओ, जल्दी करो। किस लिए? हाँ तुम लोग यहाँ से बाहर जाके फिर अंदर आके पता नहीं क्या करने वाले हो। अरे ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं, समझे? तुम लोग बाहर ही ठीक हो, ये लो, और तुम लोग जा करके बाहर ही रहो परमानेंट, समझ गए? क्या चाचा, तुम्हारा तो पत्थर वाला आइडिया ही फेल हो गया, अब उसने हमें बाहर निकाल दिया, वापस गांव चलते हैं। क्या रे भतीजे, हमारा लक्ष्य भूल गए क्या? गांव जाएंगे, गांव जाएंगे, एक ही रट लगा के रखा है। हाँ
तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन अब करें क्या? भतीजे अब मेरी बात ध्यान से सुन, हम उसी के घर में काम करेंगे और उससे बदला लेंगे। ये काम हम बाहर रहकर नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ इज्जत है। उस पत्थर ने साथ नहीं दिया इस बार। मुझे नींद आ रही है, मैं अब कहाँ सोऊंगा? मेरी गोद में सो जा। चाचा मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, आगे चल कहीं जगह मिलेगी तो वहाँ जाकर सो जाएंगे। तो जल्दी से जगह ढूंढू। जगह ढूंढू क्या, ए आगे एक बहुत बड़ी चट्टान है, आज की रात वही जाकर सोएंगे, बाकी कल का कल देखेंगे, चल अभी। अरे यार इतनी रात को ये तू क्या कर रही है? क्या हुआ जी? क्या हुआ, तू इस तरह से खर्राटे लेगी तो मैं कैसे सोऊंगा? खर्राटे कौन ले रहा है? अच्छा ये खर्राटे ले रही है, अगले हफ्ते इसकी शादी है, अगर ये ऐसे खर्राटे लेती रही तो देखना इसका दूल्हा एक ही दिन में भाग जाएगा। कहाँ खर्राटे ले रही है? अरे बाहर से आवाज आ रही है। बाहर से आ रही है? अरे ये लोग कौन है? अरे कौन हो भाई, घोड़े बेच के सो रहे हो? ए उठ रहे ए, क्या रे तू इतनी रात को जानवरों की तरह चिल्ला रहा है? क्या रे, एक तो मेरे बरामदे में सो रहा है और मुझको ही रौब दिखा रहा है। ओ, चल भाग यहाँ से। जान न पहचान यहाँ आके सो रहे हो, चलो भागो यहाँ से। नहीं बहन, हम लोग तो काम ढूंढने आए थे यहाँ पर। काम ढूंढने आए तो जहाँ काम मिले वहाँ जाओ ना, हम लोग की नींद क्यों खराब कर रहे हो? हटो यहाँ से, जाओ भागो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ए भतीजे निकल ले। ए सोते सोते जल्दी आ रहे है। इधर चटाई बिछा दूं क्या? बिछा दे यहाँ पर पूरी चटाई, सारा मूड खराब कर दिया। बेकार में भगा दिया। हाँ यही, अब सो जा, चल सो जा ना। चल अब मैं भी सो जाता हूँ। हाँ बाहर से ये कैसी आवाज आ रही है? इतनी रात को कौन आ गया? अरे ये सब कौन है, चोर तो नहीं है? अब भी मजा चखाता हूँ। कौन हो तुम लोग? सोए हुए आदमी का कोई हाथ तोड़ता है क्या? चल छोड़ जाने दे। क्यों, घर में जवान औरत है और तुम लोग को छोड़ दूं तो आने जाने वाले लोग क्या समझेंगे और मेरे खानदान वाले लोग क्या समझेंगे? अरे अभी भी तुम लोग यहीं बैठे हुए हो। ए तू क्या देख रही है, चल अंदर जा। अंदर जाने के लिए बोला चाचा, भागो यहां से। अभी भी यहीं बैठे हुए तुम लोग? अभी बताता हूं तुम लोगों को। चाचा जरा यहां आओ। मैं अकेला जाके वहां सो जाऊं क्या? ए तू अकेला वहां सोएगा? तेरे बाप की जगह है क्या? हां बिना पूछे सोने का अंजाम देख लिया ना। अबे मेरा हाथ तो टूटने से बच गया, अब जब भी सोएंगे जहाँ भी सोएंगे पूछ कर सोएंगे। हाँ, मैं पूछ के आता हूँ। ए रुक भतीजे, तुम पहले मत जाओ, क्या पूछना है क्या नहीं तुम्हें मालूम नहीं, मैं अंदर जाके पूछ के आता हूँ, तुम यही खड़े रहो। ये लो लो ये संभाल कर पकड़ना, मैं अभी आता हूँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्यों आधी रात में परेशान कर रहे हो भाई? ओ भाई साहब। ए जी। ओ ओ बोलो। हाँ क्या है? क्या आपके घर में कोई जवान औरत है क्या? हाँ है, क्या करोगे? कुछ नहीं, बस हम दोनों को सोना है। आए, 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 आए। आपने तो नींद ही उड़ा दी। चल बे। नमस्कार। नमस्ते, क्या बात है, सब एक साथ आ रहे हैं? कुछ नहीं मुखिया जी, उत्सव शुरू हो गया है, माता के लिए गहने खरीदने हैं। इस साल भी गहने आप ही देंगे ना? हर साल तो मैं देते आया हूँ, भगवान ने मेरी बेटी के साथ क्या किया, शादी के 2 महीने बाद ही मेरी बेटी विधवा हो गई। और उस मंदिर के लिए तुम लोग मुझसे क्या मांग रहे हो? सुन लो, मंदिर के लिए मैं कोई मदद करने को तैयार नहीं हूँ। ये आपने क्या किया पिताजी? जिस भगवान की तुम पूजा करती हो उसी ने ऐसा किया, उसको मानने का कोई फायदा नहीं। भगवान, तेरे चौखट पे पत्थर रख के मैं पूजा करती आई हूँ और कुछ दिनों बाद मेरी शादी भी हुई। मेरा यही एक सपना था कि मैं यहाँ पर एक मंदिर बनाऊँ, लेकिन मंदिर बनाने से पहले ही मेरी दुनिया उजड़ गई। भगवान जब तुम मेरी रक्षा नहीं कर पाए तो गांव की रक्षा क्या करोगे और मेरे पिताजी की रक्षा क्या करोगे, जरा बताओ भगवान।
मैंने जो यहाँ धागा बांधा था उसे मैं आज अपने हाथों से खोल देती हूँ। तुमने भगवान से जो कहा मैंने सुना, ये लो। तुम मेरे घर पे आ जाना। शाम को आऊंगा मुखिया जी। ठीक है जाओ। कहीं भी जाओ पर किराए पर कोई कमरा ही नहीं मिल रहा। ये घर सीता दीदी का है, उनका घर खाली है, जाकर उनसे बात कर लो। कौन सीता दीदी? चाचा रूम तो भाड़े पे मिल रहा है ना, कोई भी सीता हो हमें क्या करना, घर कहाँ है? मेरे साथ चलिए। चलो चलो फिर भी देखते हैं। यही है सीता दीदी, आप इनसे बात कर लो। ठीक है। आज तक मेरे पिताजी ने किसी को कमरा नहीं दिया है, आप पहले इंसान हो जिन्हें वो कमरा दे रहे हैं। मैं अपने मामा से बदला लेकर ही रहूंगा। वो कमबख्त इतना पैसे वाला होने के बावजूद भी हमें नहीं पूछता। अरे उसे हम पे भरोसा ही नहीं है। कुछ भी हो हमें अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो चाचा, आगे देखो मैं क्या करता हूँ। गाँव के उत्सव का आज तीसरा दिन है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए मंदिर से लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं क्या, अरे तेरी मर्जी नहीं चलने देंगे, समझ गया ना? कौन है तू? पता मुझे छोड़ मरेगा, छोड़ दे, पकड़ इसे, पकड़। तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये मेरा घर है, मैं यही रहूंगा, चलो मुझे। अबे ये तेरा घर है, ये हाथ देख रहे ना, हाथ एक ऐसा पड़ेगा ना तो तेरे सारे दांत नीचे गिर जाएंगे। मुझे अंदर जाने दो। ए चाचा ने बोला ना तेरा घर नहीं है। तो फिर किसका घर है? ये देखो पकड़ो से, इधर अब भी तुम मान जाओ। तुम्हें कब से समझा रहे हैं ये तुम्हारा घर नहीं, हमारे मालिक का घर है। अरे अरे अरे, अरे इस गंवार को क्या समझा रहे हो? ये देखो इसे हम कितनी देर से समझा रहे हैं लेकिन इसके दिमाग में तो बात ही नहीं जा रही है। अब आप ही बताइए मालिक हम इसका क्या करें। ठीक है इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ये मेरा भाई है। भाई क्या? ये आपका भाई है? हाँ मेरा भाई है, हमारे खानदान में सबसे नालायक यही पैदा हुआ है। अरे हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने, नालायक कहीं का, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है ये। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अरे होता है, तुम यहाँ लोग चलो, जाओ तुम लोग जाओ गाड़ी में बैठो, जाओ चलो 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 चलो। इधर आ इधर आ इधर आ, तू कहाँ जा रहा है? मैं मंदिर जा रहा हूँ। तुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं पे रहे और मेरे भाई की देखभाल कर, समझा? नहीं मैं यहाँ रहूंगा तो आप फिर से इल्जाम लगाएंगे। इल्जाम लगे या कुछ भी हो लेकिन तुझे यहीं रह के मेरे भाई की देखभाल करनी है। मैं भी चलूंगा, मैं चलूंगा। इसीलिए जब तक मैं वहाँ हूँ ये वहाँ पे नहीं आना चाहिए, समझे? नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इतना ही नहीं, अगर तुमने इसे यहाँ से बाहर जाने दिया तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, समझे? उसे एक झापड़ तो मारते जाइए। तू संभाल के रह, किसे फेंक दे, कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। सुनो तो, मैं भी चलूंगा। बैठ जा, लेट जा, सो जा। गेंडे मैं अपना एक काम करके आता हूँ, मेरे आने तक कोई भी शरारत मत करना, तुम याद रखना इस बात को। लक्ष्मण जी मालिक, सब कुछ गाड़ी में रख दिया ना? ठीक से नहीं रखा। अरे ये पत्थर साथ में लेकर कहाँ जा रहे हो? पत्थर है ये, तुम्हारे नजर में ये भले ही पत्थर होगा लेकिन हमारे लिए कुल देवता है, तुम्हारे मंदिर के लिए बहुत शुभ है, ये हमारे कुल देवता है। अच्छा कुल देवता है, घर से निकलते हुए इन्हें साथ में लेकर जाए तो शुभ होता है। अच्छा ये बात है, जय माता की। मौका देखते ही इस पर निशाना लगा देना तुम। ये पहले पत्थर था, बाद में कुल देवता बना, अब ये निशाना लगाने की क्या बात हो रही है? आप गाड़ी में बैठिए मालिक, आपकी सेवा करने की बातें हो रही हैं। ये बात है तो इसे भी मंदिर लेकर चलो। हा? काम पूरा करके ही आऊंगा, फिक्र मत करो। चलूं चाचा। क्यों जी? क्यों री, सब कुछ निकाल के रख दिया ना? हाँ जी। ये सब छोड़ दो, पहले मुझे पत्थर ला के दो खाना बनाने के लिए। अरे जाओ भगवान, औरतों का काम औरतों को ही अच्छा लगता है। पूजा के मुहूर्त में एक घंटा बाकी है, उसके पहले तुम लोग अपना सारा काम निपटा लो, समझ गए ना? उसके बाद मैं अपना काम देख लूंगा, जाओ जाओ। अरे सुनो तो। क्या है मालिक? इधर आओ, ये चटाई और तकिया लगा दो, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। ठीक है मालिक। थोड़ी देर आराम करेगा, मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। क्या है माँ, तुमने जो कहा वो मैंने किया ना? क्यों री, मैंने तीन पत्थर कहा था और तू दो ही लेके आई? ये दो पत्थर लाने में मुझे कितना वक्त लगा, तुम जाके ढूंढो तो पता चले। छोटी जरा एक पत्थर तो देना। दीदी और एक पत्थर होता तो मैं दे देती। नीलिमा वो जो गाड़ी में पत्थर रखा है वही लेके आ जा, जा। ला, एक पत्थर लाने में इतनी देर? ये लो ले आई तुम्हारा पत्थर।
क्या है माँ, तुमने पूजा के पहले ही चूल्हे पे हंडी चढ़ा के रख दी। हाँ, अरे भूल गई, तू कलसी लेके जा और पानी लेके आ, कपूर भी लेके आना। अरे मालिक, मालिक उठिए 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 मालिक, जल जाएंगे आप। ये क्या था, ये आवाज कैसी थी? दूध की हंडी गिर गई थी मालिक। अरे अरे, पूरा बिस्तर खराब हो गया। अरे जल्दी हटाओ इसे, हटाओ। पूरे भांजे कुछ बताए बिना ही जा रहा है। बच गया मेरा मामा, मैंने सीधे सर पे निशाना लगाया था। लेकिन तेरा मामा बहुत बड़ा कमीना है, बच निकला साला। और एक बात है, हमारा पत्थर उसका सिर फोड़े बगैर चैन से नहीं बैठने वाला। अब आगे क्या करना है? एक काम कर, कहीं से भी मेरे लिए एक स्कूटर लेके आ। स्कूटर? बैलगाड़ी चलानी आती नहीं, स्कूटर चलाओगे? भले ही बैलगाड़ी चलाने नहीं आती, फिर भी एक स्कूटर लेके आ, नहीं तो क्वार्टर तो ला। मैं तुम्हें अभी अच्छी तरह समझाता हूँ। मकान मालिक हमसे किराया मांग रहा है, हम कैसे जी रहे हैं हमें मालूम है। 3,000 महीने की पगार में खर्चा चलाना कितना मुश्किल है, और उसके बाद तुम पैसे मांग रहे हो। क्या बचा होगा मेरे पास, बताओ क्या होगा? पता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मुझे अभी दारू पीना है। पीना वीना कुछ नहीं है, खाना खा के सो जाते हैं। चलो रुक जा बेटी। बोलिए चाचा जी। मुझे क्या तुम 20 रुपए दे सकती हो? अरे चाचा, तू खुद तो देता नहीं है और उससे मांगने भी नहीं देता, अब तू ही बता मैं दारू का पैसा कहाँ से लाऊं? मुझे दारू चाहिए, मतलब दारू चाहिए। एक दिन दारू नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। ए, तू अब कहाँ जा रहा है? कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। अरे खाने का तो हो जाएगा, लेकिन पीने का बंदोबस्त मैं कैसे करूँ? हे भगवान, मैं दारू के बगैर कैसे जीऊंगा। करेक्ट, इसमें जितना भी था वो सब कुछ तो मैं ले जा चुका हूँ, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इस थाली को मैं अब यहीं पे रख देता हूँ, कहीं और से इंतजाम करता हूँ। हम कैसे जी रहे हैं हमें मालूम है। 3,000 महीने की पगार में खर्चा चलाना कितना मुश्किल है, और उसके बाद तुम पैसे मांग रहे हो। क्या बचा होगा मेरे पास, बताओ क्या होगा? माता, आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा ये मैंने सोचा था, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो माता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तू यहीं पर है, एक दिन उस मारवाड़ी के घर पे रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माता, मेरी दारू के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। आओ। मैंने मौन व्रत रखा हुआ है, इसलिए किसी से भी बात नहीं करनी है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, किसी से कोई बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। कौन है? क्या है? ये हमेशा इतनी बड़बड़ करता है, आज का इसने मौन व्रत रखा है। अरे तुझे क्या चाहिए बोल ना। अरे अपने चाचा को मारेगा क्या भतीजे? लगता है इसे मेरे शराब के बारे में पता चल गया है। क्या रे भतीजे, मौन व्रत करके मेरा दिमाग खराब करके रखा है। जो भी बोलना है मुंह से बोलना, नहीं तो मुझे सोने दे। मैं अपनी लक्ष्मी को ढूंढ रहा हूँ। तेरी लक्ष्मी कहाँ है मुझसे पूछ रहा है? अरे बाबा, उसे रावण लेके गया होगा। Oh,
मालिक कॉफी पी लीजिए। 3600 कॉफी ठंडी हो जाएगी। काम करते समय कॉफी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अपने आप को ईमानदार बताता है, सारा हिसाब किताब गलत किया हुआ है इसने। क्या है? क्या मेरे भैया तुम्हें नजर आए क्या? हाँ, मेरे भाई को तुमने कहीं देखा है क्या, ये पूछ रहा हूँ। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, इतनी दारू पीकर आकर बड़बड़ा रहा है मेरे सामने तू। ये देख, कपड़े पहनने तक का ढंग नहीं है तेरे पास, धोती के ऊपर बेल्ट लगा रखा है। अरे सुधर जा, इस तरह गुंडा बन के घूमेगा तो मैं तुझे अपना भाई कैसे कहूँगा। माफ कर दो, तू यहाँ से पहले सीधा धर्मा के घर जा। मैं उसको बोल दूंगा मेरे भाई ने नारियल पानी मंगवाया है। अरे नालायक, पहले मेरी बात तो पूरी सुन ले। पूरा नारियल लाने के लिए बोलू? अरे अरे अरे, धर्मा के पास जाके बोल मैंने बुलाया है उसे। हे भगवान, मेरी बदनसीबी, मुझे ऐसा भाई मिला। मुझे भी कुत्ते की तरह काटने वाला भाई मिला है। माफ करना। अरे 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 भैया, तुम भी आ गए। मैं आ गया। अभी तुम काम से आ रहे हो? जी हाँ। बाबे कौन आया देखो तो। ए लक्ष्मण जल्दी आ, छोटे का सारा सामान जल्दी ऊपर ले जा। आओ ना भाभी। गांव में सब अच्छे हैं ना? अच्छे हैं। अभी आए क्या? हाँ। मैंने तुम्हारा सारा सामान ऊपर रखवा दिया है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। सुमन तो ठीक है ना? हाँ। चिट्ठी मिली थी ना? मिली थी, 4 दिन की छुट्टी मिली तो सोचा मिलके चलूं। वैसे जीजा जी कहाँ पर है? सुनिए जी, देखो तो कौन आया है। अरे रे रे रे, आ जाओ भाई, मेरा अपना कहने के लिए तुम ही एक हो। बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझसे मिलने मेरे घर पे आते हो। अच्छा, हमारे गांव के मंदिर में इसने जो कहा था चढ़ा दिया क्या? अरे अभी उत्सव हुआ कहाँ है, आपको साथ चलना है। ये हुई ना बात। हाँ, भाई को छोड़ो, मैंने उसे धर्मा के घर भेजा है। वो अभी जो मेरे सामने गए, वो धर्मा के घर बिल्कुल नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा ये बात मुझे पता है, समझ गए? सुनो, अरे इसे ले जाकर पानी वानी पिलाओ। चलो। नमस्ते। नमस्ते, आखिर तुम अंदर मिलने किससे जा रहे हो? मेरे भैया से मुझे एक बार मिलना है। घर में है क्या? हाँ घर पे है। ठीक है, जाके मिल लो अंदर। आप मिल चुके हैं क्या? मैं मिल चुका हूँ। मेरा कहना तो तू मानता ही नहीं है, इसे कोई खाना कहते? ये ले। थैंक्स। बैठ, मैं कॉफी लाती हूँ। अरे कॉफी नहीं पीनी है मुझे। तो फिर दूध लेके आती हूँ। ये यहाँ कब आया है? मैंने तुम्हें कहीं देखा है? 6 महीने मेरे घर पे रहा है, मुझसे कहता है कहीं देखा है, बेशरम साला। क्या रिश्तेदार है, 6 महीने घर पे बिठा कर क्या खिलाया, बेशरम बोल रहा है। ये यहाँ कैसे? क्या हुआ, क्या देख रहे हो? ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? जरा हट तो। अच्छा, अरे ये तो गाड़ी वाला है, वो और उसका चाचा हमारे यहाँ काम ढूंढते आए थे भैया। इस गांव में उनका कोई भी नहीं है भैया, इसलिए तेरे जीजा ने उन्हें काम पर रख लिया। ये काम करने नहीं आया है, ये किसी और काम से आया है दीदी। क्या? ये तेरी नंद का बेटा है। अरे बाप रे, कोई है क्या? भूख लगी है मुझे, कुछ खाना है तो दे दो। बेशर्म होके मांगना पड़ता है, कभी टाइम पे खाना नहीं मिलता। जो सोचा हुआ है वो काम भी नहीं हो रहा। माता अन्नपूर्णा, जल्दी ले आओ ना। जल्दी चलोगी तो पैर में छाले पड़ जाएंगे क्या? इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव करो। ये कब की इडली है? ताजा है। कल की बची हुई तो नहीं है? मैंने अभी बनाया है। चलो, इस घर में कोई तो अपना है। ठीक है, मैं खा लूंगा। जाके थोड़ा पानी ले आओ, गला सूखा है, कैसे खाऊंगा। जाओ जाओ। ए नीलिमा, उठ वहां से, ये बर्तन यहां से उठा दे मुझे।
हमारे घर का कोई मान है, मर्यादा है। कब तक तुम इसको बाहर बिठा के खाना खिलाओगी? अंदर ले जाके इसे खाना खिलाओ। आज मौसम कुछ बदला बदला सा लग रहा है। बस सुबह आ जाऊंगा ऐसा बोला था, कहाँ है अभी तक वो? है? खाओ बेटा। ए, रुको, ये क्या नाटक है? तू उसे घर के अंदर बुलाकर इतने प्यार से उसे खाना खिला रही है, चक्कर क्या है बता मुझे? कुछ नहीं, आज उसका जन्मदिन है ना। गांव में हजारों लोगों का जन्मदिन होता है, तू सबको बुलाकर खाना खिलाएगी क्या? किसे कितनी इज्जत देनी है कितनी नहीं, इस बात का ध्यान रखा कर। और सुन, तेरी ये पहली और आखिरी गलती है, फिर नहीं होनी चाहिए, जा जा। आज का दिन कुछ खास है क्या? आज के बाद हर दिन तुम्हारे लिए कुछ खास होगा। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। आगे बताओ, फिर उसने क्या कहा? कुछ नहीं, बस मुझे देखती रही। अब मैं चाहता हूँ मैं उसे पास लाऊं, उससे प्यार करूं, शायद उसे मुझसे प्यार हो गया है। ये तू क्या बोल रहा है? सच कह रहा हूँ चाचा, जो है वही बता रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तू उसके चक्कर में नहीं फंसेगा, और अगर फंस गया तो अब क्या सोच रहे हो चाचा? तुम्हें यकीन है वो तुमसे प्यार करती है? मुझे तो यकीन है। तो फिर तू भी उसे प्यार करना। चाचा ये आप क्या कह रहे हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं पता है ना? मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। पागल हो गया क्या? हम यहाँ जो काम करने आए वो कर, कोई भक्त बनने की जरूरत नहीं है तुझे। तू एक काम कर, उस लड़की को जाकर बोल दे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू नीलिमा। उसके बाद वो पत्थर जो हम अपने गाँव से लाए थे उसके हाथ में देना, और उसे कहना कि ये पत्थर अगर तुम अपने बाप के सिर पर मारोगी तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर लड़की अपने बाप के सिर पर पत्थर दे मारेगी तो केस किस पर बनेगा? किस पर बनेगा? बाप के खून के चक्कर में पुलिस उसकी बेटी को जेल में लेके जाएगी। वा, 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 और हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा? बाजार से न्यूज़पेपर खरीद कर रोज न्यूज़ देखने का। सही बोला तूने, अब जल्दी जाके बोल दे उसे। जा रहा हूँ चाचा। मैं ये सब चाचा के कहने पर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना भगवान, अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी। ये तो उधर ही आ रही है। हनुमान जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि वो आपके ही भक्त हैं। आपकी तरह अगर वो भी रहे तो मेरा क्या होगा? फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। अरे आप तो बोल रहे हैं। बहुत दिनों से मेरा मौन व्रत था, आज मैंने मौन व्रत तोड़ा है। आपकी तो आवाज भी उनसे मिलती है। तुम जब से उसकी ओर बढ़ती जा रही हो वो भी तुम्हारे करीब आ रहा है, आज ही तुम दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हो, वो तुम्हें देखकर नाचेगा गाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? तुम भी उसके साथ नाचो गाओ, अब यहाँ से भाग जाओ। ताबिक हो गया। हमारी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा ना भतीजे। एक दिन में उसे दो चार बार ही मिलना, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। ठीक है चाचा, जैसा आपने बताया था मैंने उसके साथ वैसा ही किया, और ये भी पता लगा लिया कि वो मुझसे प्यार करती है। ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है भतीजे। अब पत्थर वाली बात कब करेगा? अब एक हफ्ते के अंदर मैं उसके हाथ में पत्थर दूंगा, उसका बाप खलास। लड़की ने बाप की जान ली, लड़की को फांसी की सजा हो गई, कैसा है? बहुत अच्छा है। ये नहीं, ये पत्थर से छोटा है। अरे इसका तो वजन कम है, एक भी बड़ा पत्थर नहीं है यहाँ पर। क्या है चाचा, वहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? बचपन से ढूंढते ही आया हूँ। बचपन में कहीं खो गए थे क्या? क्यों तू नहीं जानता क्या, फूल हाथ में आते ही तू सब भूल गया क्या भतीजे? तू अपने भगवान को बता दे, मैं पत्थर तो कहीं से भी ढूंढ लूंगा। देखो अच्छी लड़ाई कर रहे हैं ना। कौन ये जो खेल रहे हैं? क्या घटिया खेल खेल रहे हैं चाचा। हा? आप इसी गांव के हो क्या? हाँ भाई। सुनो, अगर तुम्हें लाठी का खेल कराना ही था तो मुझे बताते, मैं अपने गांव से कुछ लोगों को यहाँ पर लेकर आता। ये जैसा खेल रहे वैसा खेल होता है क्या? हमारे यहाँ के बच्चे भी इससे अच्छा लाठी का खेल खेलते हैं, तुम्हें ये खेल अच्छा लग रहा है क्या? देखो चाचा, तुम्हें यहाँ दारू की बात नहीं करनी चाहिए। क्या? अरे ये तो बेवकूफों वाली बात कर रहा है, मैं तो दारू की बात नहीं कर रहा हूँ। बचपन से ही मैंने अपने पिताजी को लाठी चलाते हुए देखा है, मेरे पिताजी जैसे लाठी चलाते थे वैसी लाठी ये लोग चला सकते हैं क्या? है? चाचा क्या चाचा चाचा बोल के मुझे परेशान कर रहा है? अरे इससे ज्यादा भी लोग आए तो मैं संभाल लूंगा। कौन है इन बेवकूफों का उस्ताद? लगता है वो भी गधा होगा। ए, मेरा कॉलर छोड़ो। अरे अरे सब लोग देख रहे। अरे छोड़ो। अरे सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। अरे छोड़ो ना बाबा, सब लोग देख रहे। इस गुरु पहलवान के चेलों को
जो 118 गांव में मशहूर हैं। तू बोलता है कि उन्हें किसने सिखाया? तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चल उठ बुड्ढा उठ। अब मुझे छोड़ दो, दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। अब दोबारा तेरे से गलती नहीं होगी। उस्ताद जी, मेरे चाचा से थोड़ी गलती हो गई, आप उन्हें माफ कर दीजिए ना। उस्ताद जी सुनिए ना। चल क्यों बे, हमारा मजाक उड़ाता है तू है? इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, कल तुम लोग अपने मालिक को लेकर आओ, उसके बाद यहीं पर लड़ाई होगी। बड़े आए मुझसे मुकाबला करने वाले। ए, कौन है जिसने हमारे मालिक को ललकारा? चल बाहर निकल। आप लोग कौन हैं? तुम क्यों आई हो? उस आदमी को बाहर भेजो। क्या काम है? ए, उस बूढ़े को बाहर ला। उसकी इतनी हिम्मत, उसने हमारे देवता जैसे गुरु की बेइज्जती की है। ए, चुप रहो। तुम जैसे चूजों से लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर हिम्मत है आकर दो दो हाथ कर लो, कल भरी सभा में इसका फैसला होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस गांव में शंभू पहलवान के शिष्यों में और इसी गांव में आए एक अजनबी का मुकाबला होगा। इस मुकाबले में एक नई शर्त रखी गई है कि एक तसले में सिंदूर है जिसे लाठी से छूना है। उस कुमकुम को अगर माथे पे लगाया तो एक अंक, गले में लगाया तो दो अंक, और सीने पे लगाया तो तीन अंक। जो सबसे ज्यादा अंक लाएगा वही जीतेगा। जिस जिंदगी सवर गई मेरी, जिसमें
रोशन हुआ जीवन जब से तुम आए हो, खुशियों की लहर बनके मुझ में समाए हो, फूलों सी महकूं मैं तो देखो बहार आई, खुशियों की डोली पर मैं हो के सवार आई, कैसे मैं छिपाऊं और कैसे मैं बताऊं, अरमानों को मेरे मैं कैसे रोक पाऊं, जैसे जिंदगी सवर गई मेरी, जैसे मैं तो और भी निखर गई, वादियों में जो रंग घुले जाने मुझको कहां ले चले, मन में एक आस जगी है, जीने की चाह बढ़ी है। बैठो बैठो, मैं जो कहूंगा करोगी? हाँ करूंगी। कुछ भी कहूंगा करोगी? कहो ना, मेरे बस में होगा तो करूंगी। मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, तुम्हारा बाप जब सो रहा होगा तो पत्थर उसके सर पे मार देना। मारोगी ना? मजाक मत करो जी। ए मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे चुप चुप। अरे 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 चिल्लाना नहीं। तुमने आखिर मेरी बात को सच कैसे मान लिया? अब भला तुम ही बताओ, कोई अपने बाप के सर पर क्या पत्थर मार सकता है? मैंने तुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। मैं तो अब तक ये समझ रहा था कि लड़की तेरे प्यार में पागल होकर अपने बाप को मार देगी। तू झूठ बोला या सच बोला ये बात मुझे नहीं पता। चाचा जी, चाचा जी, मुझे उस लड़की ने भले ही अपने बाप के सर पर पत्थर नहीं मारा हो, लेकिन मैं उससे कोई प्यार नहीं करता। क्या वो भी तुझसे प्यार नहीं करती? हाँ वो करती है। एक काम कर, तू बाजार जाकर जहर लेके आ और उसे दूध में मिला, दूध में मिलाकर उसे पीने को बोल, फिर देख वो दूध में मिलाया जहर पीती है या नहीं। नहीं पिएगी वो। अगर उसने पी लिया तो? पी जाएगी वो, एक अलग बात है। ऐसा वो करेगी ये यकीन से नहीं बोल सकते। वो थोड़ा सा हंसती, तुम्हें लगा वो तुमसे प्यार करती है? इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब समझे बगैर हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अरे रे, लड़कियां तो हमेशा ही रोती रहती है, यही उनका काम है, क्योंकि कुएं का पानी एक बार सूख सकता है लेकिन उन लड़कियों की आंखों का पानी कभी नहीं सूख सकता। चाचा जी देखो, वो औरत जात है, वो कभी भी अपनी बात से पलट सकती है, लेकिन तुझे तो अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। तू क्यों पलट रहा है? ये सब बात छोड़िए चाचा, उसके बाप को ठिकाने लगाने का नया आइडिया निकालिए। हमें ये काम उस लड़की से करवाना है और ये काम वो जरूर करेगी। तू यहाँ से जा, जाने के बाद जहर खरीद और उसे दूध में मिला के पिला दे। तुम उसे सचमुच प्यार करती हो ना? क्यों? बताओ हाँ या ना। करती हूँ। तो ये लो, ये तो चूहे मारने की दवा है। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो इसे पी जाओ। पी लिया। चलो मेरे साथ, चलो ना। क्या हो गया नीलिमा? नीलिमा क्या हो गया? नीलिमा क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। अरे 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 नीलिमा, अरे ये क्या हो रहा है तुम्हें? अरे संभालो नीलिमा, नीलिमा संभालो। मैं देखता हूँ, मैं कुछ देखता हूँ। बहन जी रो मत, तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। ये सही समय पे यहाँ इसे लाया है, कुछ नहीं होगा इसे, चिंता मत करिए। अगर थोड़ी देर और होती तो बहुत कुछ हो जाता। कुछ अनशन खा लिया होगा इसने, इस उम्र में इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोल ले बेटी, क्या हुआ? बोल ले बेटी। अरे बेटा तू बताना क्या हुआ? माँ उन्होंने कुछ नहीं किया है। माँ वो मैंने ही गलती से चूहे मारने की दवा पी ली थी। तुमने जहर मेरे कहने पर पिया और जब माँ ने तुमसे पूछा तो तुमने झूठ क्यों बोला? बोलो नीलिमा। जहर तुम्हारे कहने से पिया या खुद पिया ये मैं भी नहीं जानती। तुमने मुझे जहर दिया और मैंने पी लिया। संग हम रहे
प्यार हम करें साथ हर जन्म हम है तुम पे वारे वारे तुम भी हम पे दिल ये हारे हम है तुम पे वारे वारे हाँ जी तुम पे दिल ये हारे ए, ए, आ, रुक आ, क्या हो गया चाचा जो पत्थर में लाया था वो पत्थर कहाँ है मैंने कुएं में फेंक दिया क्या क्या तूने कुएं में फेंक दिया उसे और नहीं तो क्या चाचा वो पत्थर बड़ा मनहूस पत्थर था सही कहा तुमने वरना भतीजे ये काम तो कब का हो जाता हाँ चाचा आपकी दूसरा आइडिया सोचो ना ए, तू क्या सोच रहा है सोच रहा हूँ चाचा जड़ से ही उखाड़ दूँ जड़ से उखाड़ देगा तूने खत्म करने की बात सोच ही ली है ये हुई ना मर्दों वाली बात हम दोनों को गांव जाना है हमारी पगार दे दो भैया हाँ छोटे को अभी कुछ दिन यहीं रहने दो कुछ दिन और रहने दो ये कौन सी नई पॉली है क्या मेरा भतीजा मेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता चल अभी मेरे साथ चल सुनो जी तुम यहीं रुक जाओ ना चाचा जी क्या है मैं यहीं रुकना चाहता हूँ उसकी माँ ने कहा तो उसका भाभी मान जाएगा उस लड़की के सामने तूने मेरे मुंह पे वो बात कही तो मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूँ जानता है तू मैं काले चोर से बात कर रहा हूँ काले चोर से बात कर रहा हूँ तो क्या हुआ उसकी माँ कहती है कि तुम भी यही रुक जाओ तो क्या मैं रह जाता मुझे तुमने अपने जैसा समझा है क्या मेरी खुद की भी कोई इज्जत है या नहीं इज्जत विज्जत क्या होती है इसके बारे में तुझे कुछ पता है अगर तुझे चाचा चाहिए तो चाचा को लेने यहाँ आना होगा चाचा वहाँ नहीं आएगा कब आ रहे हो तुम उस घर को छोड़कर मेरे पास आने से पहले एक बात कान खोलकर सुन ले पराई नारी पराया धन पराया ही होता है जैसे डैम का पानी होता है झाड़ पर चढ़ के बैठेंगे और बाढ़ आई तो हम में से कोई नहीं बचेगा ये बात समझ लो तुम औरत के चक्कर में फंसकर अगर तुम उसकी रखवाली करेगा तो कोई भी अमीर आदमी उसे अपने साथ लेकर जाएगा तो फिर सोच तेरे जैसे गरीब का आगे क्या होगा सही मायने में अगर कोई लड़की है तो वो है पार्वती तेरे चाचा की तो कोई इज्जत ही नहीं है सुना पिताजी सुना आपने वो शराब पी के कैसे बक रहे हैं उनका बाहर किसी से झगड़ा हुआ होगा और वो यहाँ बड़बड़ा रहे हैं पिताजी उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए इसीलिए सारी दुनिया उन्हें बेशर्म कहती है पिताजी ऐसे आदमी को अपने घर में क्यों रखा है आप अभी जाकर उन्हें जाने के लिए कहिए तुम दोबारा उसे बेशर्म मत कहना क्यों क्यों ना कहूँ उसे मैं तो हजार बार कहूंगी वो बेशर्म है बेशर्म है बेशर्म है बेशर्म ये सारी दुनिया भले ही उसे बेशर्म और नालायक कहे मगर तुम मत कहना सारी दुनिया उसे बेशर्म बेशर्म कह के बुला रही है लेकिन इस सब का जिम्मेदार कौन है ये तू नहीं जानती है उसके पूर्वज अपनी जुबान से कभी नहीं पलटते थे उनकी जुबान से निकला हर शब्द फैसला होता था उस दिन गांव में एक फैसला अजीबोगरीब था वो फैसला एक औरत और एक बच्चे का था जिस औरत के साथ बलात्कार करके उसे मां बनाया उसी लड़के से उसके बाप ने ब्याह कराने की मांग रखी क्योंकि वो औरत बिन ब्याही मां बन चुकी थी गले में मंगलसूत्र पहने गोद में बच्चे को लिए वो भरी पंचायत में खड़ी थी पंचायत ये शर्त रखी कि उसके साथ मंगलसूत्र बांध के या तो घर बसाओ या गांव छोड़ो लेकिन लड़के के बाप ने लड़की को बहू बनाने से इनकार कर दिया और उसने लड़के को मजबूर कर दिया कि वो उस लड़की से शादी ना करे क्योंकि लड़की छोटी जात की थी उस लड़की को गांव से निकालने का फैसला कर दिया गया और कोई भी उसकी सहायता ने आगे नहीं आया इस बच्चे का बाप मैं हूं यह कहकर एक आदमी सामने आया इस लड़की के गले में मंगलसूत्र मैं बांधूंगा इस बच्चे का बाप मैं हूं जब पंचायत में उस आदमी ने यह कहा तो सब हैरान हो गए जानती हो कौन था मेरा भाई मेरे खानदान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती कुछ और नहीं हो सकती थी तब मैंने उससे कहा कि नालायक तू अपनी सूरत मरते दम तक मुझे मत दिखाना यह कहकर मैंने पंचायत खत्म कर दी
उसने तेरी माँ से वादा तो किया और उसके बाद मैं तुझे और तेरी माँ को अपने घर ले आया। जिसने उससे बलात्कार किया था, जब मैंने उससे शादी के लिए कहा तो उसने बेइज्जत करके मुझे भगा दिया और उसने तुझे तेरी माँ के साथ जलाने की कोशिश की क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो रही थी। मेरा भाई जलते हुए मकान में अंदर पहुंचा और बच्चे को लेकर बाहर की तरफ भागा और बाहर बच्चे को रख के जब वो तेरी माँ की जान बचाने के लिए वापस आया तब तक देखा कि कोई और वहाँ पहुँच चुका था और तब मैंने देखा कि तुम्हारी माँ को बचाते बचाते वो आदमी और तुम्हारी माँ दोनों ही जलकर मर चुके थे। उस हादसे में सिर्फ तू ही बच पाई थी। उसी वक्त से ये इल्ज़ाम मेरे भाई पर आ गया कि उसने तेरी माँ को जलाकर मारा है और लोगों की बातों में आकर मैं भी यही समझने लगा। एक औरत की इज्जत बचाने के नतीजे में उस पर बदनामी का दाग लग गया, इसलिए उसने सारी हकीकत एक चिट्ठी में लिखी। उस चिट्ठी में यह था कि मेरी सारी जायदाद तुम रखो और इस बच्ची को पालो, इस कनात होने का दाग नहीं लगना चाहिए। यह कहकर वो घर छोड़कर चला गया। सीता, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया था। मेरा भाई नालायक नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिला। उसने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी, उसके बाद वो ना जाने कहाँ चला गया था। सीता बता, आज तू उस इंसान को बाहर निकालने की बात कर रही है? मेरा भाई बेशरम और नालायक नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। बेटी, मंदिर में आकर और दर्शन किए बिना ही जा रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? मैं जिस भगवान से मिलने आई थी उनके चरण छूकर जा रही हूँ। कितने साल से दारू पी रहे हो? कब से पी रहा हूँ? अरे जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मेरा बाप दूध की जगह मुझे कंट्री पिलाता था। अच्छा, उस दिन से लेकर आज तक पीना बंद ही नहीं हुआ। बहुत अच्छा। अच्छा भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा भाई तो आज भी काम पे नहीं आया। वो काम पे किस लिए नहीं आया यही बात पता करने जा रहा हूँ, चलता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ आके पीऊंगा। चलो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, झाड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं अपना कोटा मार के आता हूँ। क्या है? अरे एक मिनट रुको ना। अरे चला रहा है या फेंक रहा है? अरे तुमने बुझा क्यों दिया ये? क्या बस यही तीली अच्छी थी? बाकी की तीली अच्छी नहीं थी क्या? ठीक है, तो फिर रख लो। खाना पीना छोड़ के तुम कहाँ भटक रहे हो? चलो जल्दी घर। मैं काम पूरा करके ही खाना खाऊंगा, तुम जाओ। तुम मेरा कहना नहीं मानोगे ना, तो ये लो। अरे अब मैं चाचा से आंखें नहीं मिला सकता। मैं इस गांव में तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए आया था। लाख कोशिशों के बाद भी मैं उन्हें मार नहीं पाया और जब तुम्हारा सहारा लिया तो मुझे तुमसे प्यार हो गया और आज तुम मेरे दिल के इतने करीब हो गई हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता के साथ हमारी दुश्मनी की वजह से ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। ओहो, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, यही मैं भी सोच रहा हूँ। चाचा देखिए, मैं इन्हें अब भी प्यार करती हूँ। आप ये मत समझना कि असली इरादे जानने के बाद मैं इन्हें छोड़ दूंगी। इनके प्यार की खातिर ही मैंने वो जहर पिया था। चाचा, हम दोनों को तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे गले में मंगलसूत्र इन्हीं हाथों से बंधे, चाहे मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद। चाचा जी,
एक ही की गई गलती को अगर दूसरा दोहराए तो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। भतीजे, तूने मेरा हाथ छोड़ के उस लड़की का हाथ थाम लिया, चाहे अनजाने में क्यों ना हो, तुम उसका हाथ मरते दम तक मत छोड़ना। अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम दोनों यहाँ से सीधा अपने घर जाओ, जाओ जल्दी जाओ। सीता नाम की लड़की की चिट निकालो, उसका सपना पूरा होगा या नहीं, उसके भाग में क्या लिखा है, ये बताने के लिए उसके नाम की एक चिट्ठी निकालो। तुम्हारे नाम की चिट्ठी में आया है, राम और सीता, तुम्हारा सोचा हुआ काम पूरा होगा बेटी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये काम अवश्य ही पूरा होगा। कहाँ रह गए वो? काफी वक्त हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था, कब आएंगे वो? तू क्या कर रहा है और मेरी नकल उतार उतार के मुझे परेशान क्यों कर रहा है? पूरे 15 दिन से गांव में मेला चल रहा है, मैं सबके साथ वहाँ जाके आया। सबके साथ जाके आया, अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। लगता है तेरे साथ भी मुझे सचमुच जाना ही पड़ेगा। इतनी सी बात ना, अंडरवेयर पहनी है ना तुमने? अंडरवेयर नहीं पहनी है, अंडरवेयर के बिना मैं कैसे ले जा सकता हूँ, इसीलिए अंडरवेयर मैं लेके आया हूँ। ये ले अंडरवेयर पहन ले, फिर उसके बाद चलते है, तू निकल। तू लुंगी यहीं पे बांध रहा है। यहीं पे पहनेगा क्या? शाबाश। पहन लिया। चलो। अरे ये क्या? ये पैर में पहना जाता है, हाथ में नहीं। ऐसे तो तू बंदर लग रहा है, ऐसे चड्डी पहनेगा तो तुझे सर्कस में भर्ती करना पड़ेगा। अरे भाई मुझे मत पहना, खुद पहन ले, खुद पहन के रेडी हो जा, मैं जरा आता हूँ फिर चलते हैं हम लोग। हाँ लेके चुपचाप क्यों खड़े हो, कोई बजा नहीं सकता है क्या? ए तुम लोग जरा जोर से ढोल बजाओ, जरा जोर से बजाना, उसके बाद मैं नाचता हूँ और गाता भी हूँ। मुझे क्यों बुला रहा है, क्या है? ये लोग यूं ही चुप नहीं खड़े हैं। तो आज जन्माष्टमी है। अच्छा, आज इस मंदिर में 50 जोड़ों की एक साथ शादी हो रही है, जैसे ही मंगल सूत्र बजेंगे वैसे ही सारे गाँव वाले खुशियाँ मनाएंगे, तभी बहुत जोर से बारिश होगी। मजाक कर रहे हो, आसमान में तो चारों तरफ धूप ही धूप है और तू बारिश की बात कर रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, क्या इस मौसम में मुमकिन है? 65 सालों से तो यहाँ यही हो रहा है। तुमने पी तो नहीं ली है? तुम इस गांव में नए हो ना, अब यहाँ पंडाल तैयार हो रहा है। इसलिए इसमें हल्दी कुमकुम है, जैसी बारिश होगी ये हल्दी कुमकुम गीला हो जाएगा, गीले होने के बाद अगर कोई लड़का वहाँ पे जाकर उस गीले कुमकुम को हाथ में लेकर अपनी पसंद की लड़की के पास जाकर उसके माथे पे लगाएगा तो वहीं पे उसकी शादी हो जाएगी। इनके कहने के मुताबिक पंडाल से कुमकुम निकाल के लड़की के माथे पे लगाएगा तो उस लड़की से तेरी शादी हो जाएगी, यही सोच रहा है तू? ऐसा तो यह सभी कह रहे हैं चाचा। सभी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सुन लो, मुझे इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है, तू यही पर अपना चक्कर चला, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। Thank you.
की ये भाषा नहीं, मिलके हम बोले नाचे हम गाए, आओ जश्न मनाए यारो। ये मैं क्या कर बैठा, ये मैं क्या कर बैठा? इधर है तू, बाहर निकल, तेरी बेटी अब जिंदा नहीं रहेगी। तू अपनी लड़की की शादी दूसरी जगह करने की तैयारी कर चुका है। वो लड़की जिसे चाहती है, मैं उसी लड़की से इसकी शादी कराने का वादा करके आया हूँ। और यही नहीं, आज इसी मुहूर्त पे मेरे भतीजे कुंदन के साथ तुम्हारी बेटी नीलिमा की शादी मंदिर के उसी मंडप में होकर रहेगी। मैं ये चाहता हूँ कि तू एक बाप होने के नाते उन दोनों को खुशी खुशी अपना आशीर्वाद दे दे। अगर तू नहीं भी आया तो
तो भी यह शादी होकर रहेगी। बस यही तुमसे कहने आया था। चलता हूँ। ए, रुक जा। क्या है? मैं कौन हूँ ये तुझे पता है? लेकिन मैं कौन हूँ लगता है तुझे ये अभी भी नहीं पता है। तुझे जो कहना है अभी कह दे, मेरे जाने के बाद कुछ मत बोलना। जो भी मेरे घर आता है वो खाना खा कर ही जाता है। तेरे इस घर में आने के बाद तू मेरे साथ नमक हरामी करेगा, मैं नहीं समझ पाया। अभी आया है तो एक कप कॉफी पी के जा। ए! साहब को दे दो। क्या सोच रहे हैं? इसमें जहर होगा यही सोच रहे हो? मैं परम शिवम हूँ, चाहे इसमें जहर भी क्यों ना मिला हो, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। रुक जा। क्यों? बहुत देर से बनी है, ठंडी हो गई होगी। ठंडी काफी पिएगा क्या? मुझे इसकी आदत है, पी लूंगा मैं। चाचा सुनो, हम तीनों एक साथ यहाँ से नहीं निकल सकते। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं उनको देख कर आता हूँ। ठीक है चाचा, निकलो यहाँ से। चलो। पकड़ो पकड़ो, वो देखो, जल्दी चलो। चलो नीना, इधर से जाओ, इधर जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। Yeah.
चाचा आगे। क्या हो गया चाचा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं होगा भतीजे। वो मैं बैलगाड़ी से आया हूँ, इसलिए थक गया हूँ भतीजे। ये देख, मैं तेरे लिए मंगलसूत्र लाया हूँ, जल्दी ही तुम दोनों लगन मंडप में बैठो, जल्दी करो, मुहूर्त बीता जा रहा है। ये लो बेटी, अब मंगलसूत्र जाकर कुंदन को दे दो, जल्दी करो बेटी। आशीर्वाद दो चाचा। लोग एक दूसरे के लिए बनते हैं और एक दूसरे के लिए बिछड़ते भी हैं, यही विधि का विधान है।